हमारे प्रदेश के अध्यक्ष। अजीब सा माहौल इस देश में देखने को मिल रहा है, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं को दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है। आज तीन काले कानूनों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इन काले कानूनों के विरुद्ध किसानों के साथ, खेतीहर मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। इस सिलसिले में सड़क पर जो आंदोलन है वो अलग, संसद में जो हमारे साथ, हमारे सांसदों के साथ राज्यसभा में जो धक्का मुक्की हुई वो आप सबने देखी, और आपके आपकी अदालत में हम पेश हुए हैं अपने मुद्दे रखने के लिए, अपनी आपत्ति रखने के लिए। क्यों हम विरोध में हैं इन तीन काले कानून? ये तीन काले कानून पहले अध्यादेश के माध्यम से लाए गए, थोपे गए। कोविड चल रहा था, चीन हमारी ओर गलत निगाह से देख रहा था, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट हो गई कि कैसे किसानों, 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के हितों पर हमला करते हुए पहले तो अध्यादेश लाए गए, फिर उन्हें कानूनी जामा पहनाया गया संसद में पिछले सप्ताह। किसानों की बात सुनने की बजाय प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम प्रवक्ता बोलते हैं कि किसान बरगलाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति मौसम देखकर समझ लेता है कि कौन सी फसल लगानी है, किस तारीख को लगानी है, कब उस फसल को देखरेख कैसे करनी है, उसको प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कोई बरगला सकता है। वो खुद बरगलाते हैं, वो एक्सपर्ट हैं बरगलाने के, तो उनको लगता है कि सब बरगलाए जा रहे हैं। इस देश में अगर कोई बुद्धिमान में किसी को मानता हूं तो इस देश का किसान होता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी जमा पूंजी सिर्फ आकलन में जाती है। वो आकलन कर लेता है कि मौसम कैसा। किसान अगर आज लामबंद हो रहे हैं, 300-350 किसानों के संगठन लामबंद हो रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो वो बरगलाए नहीं जा रहे, वो समझ रहे हैं उनके साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार द्वारा। हमारी आपत्ति क्या है? हमारी आपत्ति, हमने संसद में भी प्रयास किया बोलने नहीं दिया गया राष्ट्रपति को भी। राष्ट्रपति जी के पास कल हमारे तमाम नेता गए, उनको भी ज्ञापन दिया, उनसे भी गुजारिश की, अपील की, अनुरोध किया कि आप अपना हस्ताक्षर इस पर मत करिए, क्योंकि देश के 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के साथ ये अन्याय होगा और घोर अन्याय। हमारी आपत्ति ये है कि एपीएमसी मार्केट यार्ड, जिसके भीतर किसान जब जाता है अपनी फसल लेकर जाता है, वहां मूल्य निर्धारण होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस डिस्कवरी होती है। कैसे होती है? बोली लगती है उसकी अनाज पर, उसकी फसल पर, और समूह होते हैं किसानों के,